जादुई द्वीप। कलिंगा राज्य में माधव नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो बहुत बहादुर और कष्टालु था, लेकिन उसे अपना गुजारा करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। एक दिन माधव ने सोचा, वो उसका गांव छोड़कर पश्चिम की तरफ एक द्वीप में जाकर पैसे कमाएगा। वो व्यापारियों के जहाज में चढ़ गया। समुन्दर से जब वो आगे जा रहे थे, तब वहाँ बहुत भयानक ऊंची ज्वार आई। माधव जिस जहाज से गुजर रहा था, वो जहाज समुन्दर में डूब गया। लेकिन माधव इससे बचकर लकड़े के कुंदे की मदद से द्वीप पर पहुंच गया। वहां पर उसे कोई मनुष्य, पक्षी या कोई जीवित प्राणी नहीं दिखा। उस द्वीप पर सब जगह पर नारियल के पेड़ थे। उसे वहां करने लायक कुछ भी नहीं था, तो उसने नारियल के पेड़ से नारियल निकालकर उससे पानी पिया। एक दिन नारियल निकालने के लिए वो पेड़ पर चढ़ गया। तब उसने चकित करने वाली बात देखी। उसने देखा कि एक जंगली सुअर आकाश में उड़कर द्वीप की दिशा में आ रहा है। माधव को ये देखकर विश्वास नहीं हुआ। वो हैरान हो गया कि जंगली सुअर बिना पंख के कैसे उड़ सकता है। जब वो उसे देख रहा था, जंगली सुअर पेड़ के नीचे सोकर खर्राटे मार रहा था। माधव नीचे उतरा और यहां वहां देखने लगा। वो आम जंगली सुअर के जैसा ही था, लेकिन उसके पास दो नुकीले दांत थे। उसने उसके अंदर एक हीरा चमकता हुआ देखा। माधव ने सोचा, उसने अपने मुंह में वो हीरा पकड़ कर लाया होगा। माधव ने इतना बड़ा हीरा पहले कभी नहीं देखा था। उसने वो हीरा लिया और ध्यान से देखा। उसने सोचा, ये एक हीरा ही काफी है मेरी गरीबी दूर करने के लिए। तभी जंगली सुअर नींद से जाग गया। हे भगवान, मैं नीचे क्यों उतरा? इस जंगली सुअर ने अगर मुझे देखा तो मुझे मार डालेगा। मैं पेड़ पर ही सुरक्षित था। ऐसा सोचकर वो वहां से उठकर नारियल के पेड़ पर जाकर बैठा। माधव सोच रहा था, उस हीरे में कुछ तो जादुई शक्ति है। उसे लगा कि उस हीरे की मदद से वो कहीं भी उड़ सकता है, जैसा ये जंगली सुअर भी उड़कर यहाँ आ गया। जब जंगली सुअर ने देखा तो वो हीरा माधव के हाथ में था। उसने भयानक गर्जना की। माधव ने नारियल लिया और जोर से सुअर के सिर पर फेंक दिया। सुअर अपने होश खो बैठा। माधव उस हीरे की मदद से दूसरी जगह पर गया। वो जगह जादूगरों का द्वीप था। वो जादूगर जंगली सुअर के रूप में थे। जंगली सुअर बनकर वो यहाँ वहाँ जाने का आनंद ले रहे थे। वहाँ पर और भी कई सारे जादूगर थे, लेकिन माधव को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसे हीरा मिलने की वजह से वो कहीं भी उड़ सकता था। इसलिए माधव ने द्वीप पर उड़ना शुरू किया। जब वो उड़ रहा था, तब उसने एक जगह पर धुआं आते देखा। माधव जब उसी दिशा में गया तो उसने देखा कि एक बिना पैर वाला बूढ़ा आदमी बकरे के बच्चे को झोपड़ी के अंदर जला रहा था। काका जी, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। आज रात सोने के लिए थोड़ी सी जगह भी दीजिए। उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं तुम्हें खाना देता हूँ और तुम यहाँ सो भी सकते हो। ऐसा कहकर उस बूढ़े आदमी ने उसे खाना दिया। लेकिन माधव को वो बूढ़ा आदमी थोड़ा संदेहजनक लगा। खाना खाने के बाद बूढ़े आदमी ने पूछा, तुम इस द्वीप पर कैसे आए? यहाँ कोई मनुष्य नहीं आता है। ये जादुई द्वीप है,
तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर माधव ने पूरी बात बताई और वो हीरा भी दिखाया। बूढ़ा आदमी ने कहा, बेटा मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और तो और मुझे पैर भी नहीं है। वो हीरा तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें कुल्हाड़ी देता हूँ। कुल्हाड़ी तुमने जोर से पट दी तो तुम्हारे सामने जो भी आदमी होगा उसका सिर कट जाएगा। माधव इस बात के लिए तैयार हो गया। उसने वो हीरा दिया और उसके बदले कुल्हाड़ी ली। माधव ने वो कुल्हाड़ी ली और जोर से पीटी। तुरंत उस बूढ़े आदमी का सिर कट गया। माधव हीरा और वो कुल्हाड़ी लेकर शाम तक दूसरी जगह पर पहुंचा। वहां उसने एक चबूतरे पर बिना हाथ के आदमी को देखा। उसके बाजू में एक पीतल का घड़ा था। माधव को अपने तरफ आते हुए देखकर वो आदमी चिंतित हो गया और उसने अपने पैर से वो पीतल के घड़े को ठोकर मारी। तुरंत उसमें से दूध नीचे गिरा और माधव की तरफ बहने लगा। धीरे धीरे वहां पर दूध की बाढ़ आने लगी। माधव उस बाढ़ में डूबने ही वाला था, लेकिन हीरे की मदद से वो उड़कर उस बूढ़े आदमी के बाजू गया। वो आदमी आश्चर्यचकित हुआ। उसने पूछा, ये कैसी शक्ति है? तुम ऐसे कैसे उड़ सकते हो? माधव ने उसे हीरा दिखाया और कहा, इसकी मदद से कोई भी कहीं भी उड़ सकता है। फिर वो बूढ़े आदमी ने कहा, ये घड़ा ले लो और वो हीरा मुझे दे दो। जब हमें चाहिए तब ये घड़ा हमें भरपेट खाना देता है। माधव ने उसे हीरा दिया और वो घड़ा ले लिया। तुरंत उसने कुल्हाड़ी जोर से पीटी, फिर उस आदमी का सिर तुरंत कट गया। माधव उस रात वहीं पर सोया। दूसरे दिन वो द्वीप पर घूमा और शाम के वक्त जंगल पहुंचा। वहां पर उसने ढोल की बड़ी आवाज सुनी। वो आवाज सुनकर जंगल के सारे प्राणी जैसे शेर भागने लगे। थोड़ी देर बाद आवाज बंद हुई। माधव उस आवाज की दिशा में जाने लगा। वहां घने जंगल के बीच एक राक्षस बैठा था। उसके सामने ढोल जैसा कोई वाद्य था। माधव वहां गया और राक्षस से थोड़ी दूर पर खड़ा रहा। फिर राक्षस ने माधव को कुछ खाने के लिए दिया। वो देखकर माधव को लगा कि ये मनुष्य का मांस है और उसने उसे हाथ नहीं लगाया। उसने अपने पीतल के घड़े से खाना निकाला और खाना शुरू किया। फिर राक्षस ने पूछा, ये क्या है? माधव ने कहा, हमें जब चाहिए तब हम इससे खाना निकाल सकते हैं। राक्षस ने कहा, ये ढोल ले लो और ये घड़ा मुझे दे दो। अगर हमने इसके बाईं तरफ मारा तो भयानक आवाज आती है, सारे प्राणी वो आवाज सुनकर भाग जाते हैं, और अगर दाईं तरफ मारा तो बहुत सारे सैनिक जीवित हो जाएंगे और किसी भी संकट से तुम्हारी रक्षा करेंगे। माधव इस बात के लिए राजी हो गया और उसने घड़ा देकर बदले में ढोल ले लिया। तुरंत उसने कुल्हाड़ी पीटी और राक्षस मर गया। उस जादुई द्वीप से मिला हुआ हीरा, कुल्हाड़ी, घड़ा और ढोल लेकर वो कलिंगा राज्य में वापस आ गया। वहां पर राजा अपने क्रूर आचरण से सारी प्रजा को हैरान करता था। जब माधव वहां गया तो कुछ सैनिकों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। तुरंत उसने ढोल के बाईं तरफ मारा और भयानक आवाज हुई। वो आवाज सुनकर सैनिक भाग गए। ये बात जानकर
राजा ने माधव पर अपने सैनिकों के साथ हमला किया। फिर माधव ने ढोल के दाईं तरफ मारना शुरू किया। कुछ सैनिक जीवित हो गए और राजा से लड़ने लगे। फिर माधव राजा के सामने गया और कुल्हाड़ी जोर से पीटी। उससे वो राजा वहीं पर मर गया। सब लोगों ने खुशी से माधव को राजा बनाया और इन सब चीजों की मदद से वो अपना राज्य सफलतापूर्वक चलाने लगा। Hi kids, hope you like the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you. Bye bye.